गदर 2, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका हुआ है। ये जो दो एक्शन और ड्रामा है, और अगर इसका दुश्मनानु पूछो तारा सिंह को मेरे कलेजे को ठंडक। एक बंदा इंडिया से पाकिस्तान में ना, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से इंडिया जाए, ऐसा तो कुछ तबाही मचा। यानी कि एक मैं अगर अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल इकरा अब्बास कोरिया। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज फर्स्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। आज हम लोग जिस YouTube की वीडियो पे बात करेंगे, ये मूवी है गदर 2, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका हुआ है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अनिल शर्मा, राइटर हैं जी शक्तिमान तलवार, स्टार्स में आते हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, और उनके साथ है जी उक्ताशा शर्मा। और ये मूवी जो रिलीज हो रही है, ये होनी है जी 11 अगस्त 2023 को। इस मूवी की अगर जनेर की बात की जाए तो वो एक्शन और ड्रामा है, और अगर इसका वो बात किया जाए इसकी स्टोरी क्या है, वो जैसे कि आपको पता है ये गदर 1 का वो के फॉलो पे आ रही है। पहले गदर 1 आई, अब आई थिंक इसी ईयर इन्होंने गदर 1 को रीमेक करके दोबारा विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलीज किया, और अब ये गदर 2 की तरफ आ रहे हैं। यानी कि सनी देओल इस मूवी की जो वो है मेकर्स जो है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो बना रहे हैं, और अब 11 अगस्त को इसकी रिलीज डेट है। गदर 1 में जैसे कि वो दिखाया था कि वो 1947 के पार्टीशन पे बनी हुई थी, लेकिन अब गदर 2 में ये कहा जा रहा है कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो यही है कि जी इसका कोई बेटा जाता है और वो उसको बचाने के लिए जाता है, ये वो अब ये स्टोरी इसके आ रही है इसके बारे में। तो इसी चीज को अपने मद्देनजर रखते हुए चले देखते हैं इसका ये ट्रेलर। स्टे विद अस जी स्टूडियो की तैयारी करना चाहते हैं। क्या बात है जी। स्टूडियोस प्रेजेंट। बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए, तुझे बचाने जरूर आएगा। हमें मारा जीती चाहिए दादाजी, वापस लेके आऊंगा। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना। मेरा बाप पे यहाँ ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। वालिद को कह रहे हैं ना। ओह सुन कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जो आप देखो कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। For his family and nation. ले नहीं आगे इतना कुछ कर दिया। गदर 2 क्या ये सब पंप ही फाड़ देने प्रोडक्शन 11 अगस्त गदर 2 ये था जी गदर 2 का ट्रेलर।
अगर मैं वैसे इस ट्रेलर की बात करूं तो वही है, एज अ पाकिस्तानी अगर हम देखें तो ठीक है कि भाई एक मूवी बन रही है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा ही सुपर फिक्शन मूवी है, यानी कि फिक्शन ही ऐसे लग रहा है कि कोई बस सोचो ख्याल ही है, ऐसा ना कि ये हो सकता है कि कोई एक बंदा इंडिया से पाकिस्तान में, ना ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से इंडिया जाए, ऐसा तो कुछ तबाही मचा, यानी कि एक मैं अगर इन जनरल होकर देखूँ तो एक बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाके कि उसकी पूरी फौज को ऐसे इम्पॉसिबल है, चाहे वो कुछ बहुत ही छोटा मुल्क हो और चाहे जो कुछ मर्जी हो। और लेकिन ये है कि ये स्टोरी एक फैक्शन मैन दैट फॉर द लव फॉर हिज फैमिली, ये शो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि भी कैसे वो है, और उसके जो गाने हैं वो सारी ना, और उसके डायलॉग जो है वो, यानी कि मेरा पापे वो इतने इतने चीथड़े करेगा, इतने चीज वो ना इतने सुराख वहां से उन्होंने चीथड़े चीथड़े पे चले गए वो, यानी कि पता चल रहा है कि पुरानी ही मूवी को उसके इवन तो डायलॉग्स भी उन्होंने काफी पुराने यूज किए हैं उसको वो कर रहे हैं। और जो दूसरी उसने वो बात की कि जी ये आधे से ज्यादा पाकिस्तान अगर वो मौका मिले तो वो चले जाएं, मेरा तो यही ख्याल है कि आजकल जो लोग हैं आप तो पूरा ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, पूरी दुनिया ही यानी कि अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छे अच्छा उन्हें जहाँ मिलता है वो वहाँ जाते हैं, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, इंडिया और पाकिस्तान हो, जिसको जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस तरफ मूव करना, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया सुकड़ती जा रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना जब से सोशल मीडिया है तो उसका जमाना ही चेंज हो गया हुआ है। और वैसे इन वो देखा जाए तो मूवी वही 1971 को कॉन्सेप्ट में लेके बनाई गई है, तो वो उसी तरह के विजुअल्स ये वो दिखाए गए हैं, और एक इंतहाई यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल शख्स, और वो आई होप ये मूवी अच्छा बिजनेस करे, अच्छी कलेक्शन करे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द गदर 2 टीम। तो इसी के साथ ही हम अपने रिएक्शन का एंड करते हैं, तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद द फैमिली, गिव अ सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय मिताली, बाय बाय।